नजर डालेंगे आलमी खबरनामे पर। भारतीय रियासत कर्नाटक में शहरियों ने भारत की यौमी आजादी पर टीपू सुल्तान के बैनर्स लगाने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुलिस ने टीपू सुल्तान के बैनर्स जबरदस्ती उतरवा दिए तो शहर में हंगामे फूट पड़े। हालात कुशीदा होने पर शहर में दफा 144 नाफज कर दी गयी। चीन ने अमेरिकी कांग्रेस के वफद के दौरे ताइवान के पेश नजर एक बार फिर जंगी मशकें शुरू कर दी। चीनी फौज के बयान के मुताबिक फोर्सेस ने ताइवान के इर्द गिर्द समुंदर और फजाई हदूद में जंगी मशकों का एहतमाम किया। इससे कबल चीनी फोर्सेस ने अमेरिकी ऐवान से नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के मौका पर जंगी मशकों का इनेकाद किया था। म्यांमार की अदालत ने मौजूद रहनुमा आंग सान सूची को करप्शन के इल्जाम में मजीद 6 साल कैद की सजा सुना दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आंग सान सूची अदालत में अच्छी सेहत में नजर आए और उन्होंने अपनी ताज़ा तरीन सजा के बाद कोई बयान नहीं दिया। करप्शन केस में मजीद 6 साल कैद की सजा के बाद अब उनकी मजमू सजा 17 साल हो गई है। 77 साल आंग सान सूची गुज्तर साल 1 फरवरी को फौजी बगावत के बाद से जेर हिरासत हैं।